किसान भाइयों नमस्कार। मैं लक्ष्मी फार्मिंग प्रेम किशोर दुबे आपका स्वागत अपने चैनल पर करता हूं। साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक पर अगर आपने दबा करके शेयर किया और आपने भी मन लगा करके इसको ध्यान से देखा तो आपकी लाइफ से एक समस्या का हल हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। साथियों, खेती करने की सबसे बड़ी समस्या है उसका खरपतवार। खरपतवार आज हमारी खेती का 1/3 भाग खर्चा जो आ रहा है उस पे 1/3 भाग खरपतवारों को ख़त्म करने में आ रहा है और हमारी उत्पादन क्षमता को जो परेशान कर रहा है, घटा दे रहा है, यही खरपतवार ख़त्म कर दे रहा है। आज उसी खरपतवार पर हमारा टॉपिक है। खरपतवार कैसे हम हमेशा हमेशा के लिए बिना किसी केमिकल यूज किए हुए कैसे हमेशा के लिए इसको ख़त्म कर दें, मैं आज उस पर एक आपको जानकारी दे रहा हूँ। किसान भाइयों, खरपतवार तो बहुत प्रकार के हमारे खेतों में उगते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा कष्ट देने वाला, सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला खरपतवार है मोथा घास। आपके सामने ये मोथा घास की शक्ल है। हम आज 3-4 पेड़ आपके सामने इस तरीके से रख रहे हैं। ये बहुत ही परेशान करने वाला खरपतवार है। किसी भी केमिकल से ये आसानी से ख़त्म नहीं होता है। आज हम आपको ऑर्गेनिक तरीका बताएंगे जो बिना किसी दवाई का यूज़ किए हुए हम इसको कैसे ख़त्म कर देते हैं। और इस बात को जानने के लिए सबसे पहले हमको ये जानना ज़रूरी है कि ये ख़त्म क्यों नहीं होता, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जिसके कारण ये ख़त्म नहीं होता। साथियों, ये मोथा घास है, ये इसकी जड़ है, मेन जड़ है। इस जड़ से निकली हुई पुरानी जड़ जो हो गई, उन जड़ों से एक इसमें गांठ बन जाती है। ये मेन मोथा घास है। हम लोग क्या करते हैं, या तो खुरपी से ऊपरी हिस्से को निकलवा देते हैं और ये इसकी गांठ इस मिट्टी में रह जाती है, या हम कोई इस पर दवा केमिकली इस पर डाल देते हैं और इसका ग्रीन पिगमेंट जितना है वो जल जाता है, पर लेकिन ये गांठ हमेशा रह जाती है और 1-2 महीने के बाद इसमें से फिर अंकुरण हो जाता है। और हम इस दवा को ख़त्म करने के लिए हर बार 1 लीटर दवा, कोई भी केमिकल इस पर जब ला के डालते हैं, ग्लाइसेल वगैरह ला के इस पर डालते हैं और 2-3 महीने के लिए लाभ मिलता है, 2 महीने के लिए, और बाद में ये फिर अंकुरित हो जाता है। तो इसका साइंस क्या है, इसकी परेशानी क्या है, जरूर कारण क्या है? इसका कारण है ये गांठ। गांठ मिट्टी के 4-5-3-2 इंच नीचे तक ये जुड़ी रहती है। ये जड़ है, ये जड़ है, और इस जड़ से निकला हुआ एक सोता, एक सेकेंडरी जड़ इतनी दूर लंबी होती है जो 6-4 इंच है ये, और 4 इंच के बाद फिर एक गांठ बना लेती है और इस गांठ से फिर अंकुरण हो जाता है। आप दवा डालेंगे, दवा से 4 इंच अंदर तो तक तो दवा नहीं पहुंच पाती मिट्टी के अंदर, ये गांठ कभी ख़त्म नहीं होती है। यही वजह है कि ये मोथा हमेशा के लिए ऐसे रह जाता है। आप कोरल निजात केवल 2-4 महीने, 2 महीने, 1 महीने के लिए मिली, बाद में आपको जो है फिर दवा डालनी पड़ी। 1 बीघे के लिए 400 रुपये का खर्चा है, आप ऐसे डालते रहें। ये क्यों उगता है, कहाँ उगता है, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है। आपको ये वहाँ ज़्यादा उगता है जहाँ बहुत ज़्यादा नमी बनी रहती है, एक बात। दूसरी बात, जहाँ पर बार बार हम खेती करते रहते हैं, दो कारण है। तीसरा कारण है कि हम वही फसल बार बार लेते रहते हैं, फसल चक्र का अनुपालन नहीं करते कि एक बार हम गेहूं के लिए तो दूसरी बार हम उसमें बाजरा ले लें, धान ले लें, मक्का ले लें, अलग अलग फसली हम यूज करें जिसे कहते हैं फसल चक्र, तो ये चीज़ें उसमें ख़त्म हो जाएगी। साथियों, मोथा घास को ख़त्म करने की केमिकली विधि ये है, इस पर कोई भी दवा डालते हैं उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना मेरा 71 एक्सेल कंपनी की 100-100 ग्राम की एक पाउच है जो एक टंकी के लिए पर्याप्त होती है, 15 लीटर की टंकी के लिए पर्याप्त होता है। उसमें उसका घोल बनाएं और ये मोथा अंकुरित हो चुका हो तब इस पर स्प्रे करा दें। अंकुरित हो चुका हो और जब आप स्प्रे करें तो खेतों में नमी बनी रहनी चाहिए। पहले आप अगर नमी नहीं है तो दवा स्प्रे कर दीजिए और शाम को आप इसमें पानी लगा दीजिए, तो 7 दिन में ये आपका मोथा जल चुका होगा,
ख़त्म हो चुका होगा, पर एक बात है कि इससे जड़ से नहीं ख़त्म होगा। आप डाल देंगे, आपकी फसल तक के लिए थोड़ी सी राहत आपको मिलेगी, लेकिन फिर अगली फसल पे फिर आपको ये करना पड़ेगा। ये है हमारा पेस्टिसाइड तरीका, केमिकली तरीका, जिससे हम मोथा को ख़त्म कर सकते हैं। साथियों, अगर आपको मेरा 71 लेना होगा तो आप मेरे ऑनलाइन स्टोर पर आएँ, लक्ष्मी फार्मिंग ऑनलाइन स्टोर पर आएँ, और इसका लिंक आपको मिलेगा वीडियो में, और आप ऑर्डर करें, आपको होम डिलीवरी मिलेगी, ये उपलब्ध है। किसान भाइयों, यदि आप इस मोथा को हमेशा के लिए ऑर्गेनिक तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि या तो बारिश हो चुकी हो या एक ऐसी भी तरीके से मोथा जब जम चुका हो आपके खेत में, तो इसकी खूब गहरी जुताई कर दें, खूब गहरी जुताई कर दें। ये हो सके तो पलटने वाले हल से इसकी जुताई कर दें, ये मिट्टी में पलट जाए, जिससे इसकी गांठें और इसकी जड़ें ये पलट जाएं, और ये ऊपर से इस पे जो जून महीने की धूप खूब लग जाएगी तो ये सब सूख जाएगा, एकदम से सूख जाएगा, और बाद में ये आपका अंकुरित नहीं होगा, धीरे 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 ऐसी विधि से आपका ये ख़त्म हो जाएगा। ये एक तरीका है मोथा घास के ऑर्गेनिक तरीके से ख़त्म करने की। दूसरी विधि है कि जैसे अभी आपने गर्मी में इसकी जुताई करा दिया, तो आधी घास से ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा घास तो ये सूख करके जल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। जो घासें इसमें बची रह जाएंगी, तब आप जब धान की बेरन तैयार हो जाएगी और धान इसमें आप लगाना शुरू करिएगा, तो इसकी आप इसमें पानी भरवाइएगा, और पानी भरवा करके इसकी जुताई करा के और 3-4 दिन के लिए इसको पलेवा लगा के, हेंगा जिसको कहते हैं, इसको लगा करके और छोड़ दीजिएगा। 3-4 दिन इसमें लगातार 2-3 इंच पानी भरा रहेगा, तो ये एक तरफ से ये सड़ जाएगा, और सड़ जाएगा तब आप अपने धान को इसमें लगाई रोपाई करवाइएगा, तो आपके खेतों में मोथा नहीं होगा। यह क्रिया आपको 1-2 साल करनी होगी, हमेशा हमेशा के लिए ऑर्गेनिक तरीके से बिना किसी केमिकल का प्रयोग किए हुए आपके खेतों से मोथा घास हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। साथियों, इस विधि को मैं अपनाता हूँ, यही विधि पुरानी विधि है, आज लोग उसको भूल करके आसानी के लिए केमिकल की ओर भागते हैं और खर्च करके तबाह रहते हैं, दवाइयाँ खर्च करते रहते हैं और परेशान भी रहते हैं। साथियों, हम पुराने टेक्निक को फिर से अपनाएं और अपने पैसे की बचत करें और अपने घर खुशहाली लाएं। साथियों, मेरा वीडियो देखिए, इसको शेयर करिए, चैनल को नए दोस्त हमारे सभी सब्सक्राइब कर लें, और ये तरीका अपने जीवन में अपनाएं, अपने घर खुशहाली लाएं। धन्यवाद।